हाय गाइस, वेलकम अगेन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग समझते हैं रिजर्वेशन का खेल क्या है टीजीटी पीजीटी में। बेसिकली बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया जब से इंटरव्यू कॉलिंग की लिस्ट आई है पीजीटी में कि रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है। सबकी एक ही कंप्लेन है कि सर ईडब्ल्यू एज अ कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, जनरल से ओबीसी ज़्यादा जा रहा है। तो हम इसको क्लियर करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो पीजीटी का रिजल्ट आया है वो पार्ट वन आया है, सिर्फ इंटरव्यू कॉलिंग आई है आपकी गाइस, इंटरव्यू कॉलिंग। इसकी कोई सिलेक्शन नहीं है आपका, यानी 425 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया था और 75 का एग्ज़ाम के लिए आपको फिर बुला लिया गया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो स्टेप वन पे थे, स्टेप टू में पहुंच गए। इंटरव्यू कॉलिंग के टाइम आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सिंपल से आप एक बात समझिए। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी जो जनरल में वो जनरल में ही काउंट होगा, जो ओबीसी में वो ओबीसी में ही काउंट होगा। तो सिंपल सी बात है, जनरल की सीट ज़्यादा होती है, डेट्स वाई उनको ज़्यादा बुलाया जाएगा क्योंकि रिजर्वेशन तो यूज़ हो नहीं रहा है। जो ओबीसी है उनकी सीट थोड़ी कम रहेगी तो उनके कैंडिडेट कम आएंगे, जब कैंडिडेट कम आएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, लेकिन अब आप पूछ सकते हैं सर क्या पीजीटी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा रिजर्वेशन, लेकिन कहाँ मिलेगा? फाइनल रिजल्ट में, जब आपके 75 मार्क्स के इंटरव्यू हो जाएंगे जो सेलेक्ट हो गए हैं, जब 500 नंबर का पूरा रिजल्ट आएगा रोल नंबर वाइज मार्क्स के साथ, वहाँ आपको रिजर्वेशन इंपैक्ट दिखेगा। वहाँ पे जनरल का कट ऑफ जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कम रहेगा। यानी ये इफ़ेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? फाइनल रिजल्ट पे मिलेगा पीजीटी के, क्योंकि अभी आपकी इंटरव्यू कॉलिंग है जो कि 3.5 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेट जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके कंपेयर में। यानी जो बच्चे जो सीट मान लीजिए 100 है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ओवरऑल 350 बच्चों को इंटरव्यू कॉलिंग दी गई है। अब जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, जब 100 लोग सेलेक्ट होंगे, तब आपका रिजर्वेशन यूज़ होगा, यानी तब आपको इंपैक्ट दिखेगा कि ईडब्ल्यूएस कम जाएगा जनरल से, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी। जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे रहेंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, तब जाके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ गिरेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, 2016 में भी नियुक्ति ऐसे ही हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स का हूँ, कॉमर्स की बात करता हूँ, कॉमर्स में पीजीटी में ओबीसी 97 पे कॉलिंग हुई थी लास्ट टाइम और जनरल कॉलिंग हुई थी 95 पे। बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि रिजल्ट में ये चीज़ दिखेगी आपको। फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वहाँ पे फ़ायदा होगा किसको? ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। लेकिन इंटरव्यू कॉलिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कैसा रिजर्वेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, यानी जो जिस कैटेगरी में खाली उसमें काउंट होगा। उम्मीद है आपको पीजीटी का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब आते हैं टीजीटी में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टीजीटी में आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, यानी यहाँ पे सिलेक्शन है, कोई कॉलिंग नहीं है इंटरव्यू की आपकी। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा? वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पे बिल्कुल होगी। ठीक है, यानी जो बच्चे ज़्यादा रहेंगे ओबीसी में वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ओबीसी में जो कम वाले बच्चे रहेंगे उनकी भी काउंटिंग हो जाएगी, डेट्स वाई ओबीसी कट ऑफ लो जाएगा, ईडब्ल्यूएस लो जाएगा और जनरल कट ऑफ हाई चला जाएगा टीजीटी में। यानी टीजीटी में जैसे होता है, जैसा आप जानते हो, जिस तरह से पूरी कैलकुलेशन होती है रिजर्वेशन की, वैसे ही होगी, यानी ओवरलैपिंग होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? ये आपका हो जाएगा वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पे दिख जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, कल की ही बात है, कल बहुत सारा पंचायत हुआ कि सर ईडब्ल्यूएस 110 पे नहीं कॉलिंग हुई, जनरल 100 पे हो गई। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 30 बच्चे यूआर के हैं और 20 बच्चे ओबीसी के, मैंने सिर्फ दो कैटेगरी मान के मैंने सिंपल रखा एग्जांपल को, एज्यूम कर रहे हैं सीट 50 है। तो आप देखें यहाँ पे यूआर हम कितना बुलाएंगे, 30 और इंटू 3 यानी 90 यूआर, या यूआर मतलब होता है जनरल। ठीक है, 90 जनरल बच्चों को बुलाएंगे, ओबीसी कितने बुलाएंगे, 60 बुलाएंगे। तो जब ज़्यादा बच्चे यहाँ बुला रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ क्या होगी इनकी? लो जाएगी, इंटरव्यू कॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और इनकी हाई जाएगी ओबीसी वालों की। तो इंटरव्यू कॉलिंग में कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, डेट्स वाई सिंपल सी बात है, जो आपका कट ऑफ रहेगा वो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का हाई जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में किसने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन नॉर्मली या तो इक्वल रहता है या ज़्यादा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं ओबीसी के भी, और ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में तो नॉर्मली सर्टिफिकेट इजिली बन जाता है, सब बनवा के रखे हैं। संस्कृत में क्या खेल हुआ, 80% बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा जो संस्कृत का एग्ज़ाम दे रहे थे। डैट्स वाई जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि 101 पे जनरल इंटरव्यू कॉलिंग हो गई और 110 पे भी ईडब्ल्यूएस कॉलिंग नहीं हुई। तो ये सिर्फ इंटरव्यू तक के लिए है, उसके अलावा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा इस चीज़ से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट से फाइनल रिजल्ट में फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन इससे एक चीज़ और होगी, ध्यान रखिएगा, कम पे कॉलिंग तो मिल जाएगी जनरल वालों को, लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका जो कम कॉलिंग वाले हैं। ये चीज़ भी होगी क्योंकि फिर वहाँ पे रिजर्वेशन यूज़ हो जाएगा।
ओके फाइनल सिलेक्शन में पीजीटी का, और टीजीटी में कुछ नहीं होगा, टीजीटी में सिंपल रिजल्ट आएगा, रोल नंबर के साथ आएगा, वहाँ नंबर मेंशन देगा क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। 500 नंबर का एग्ज़ाम है टीजीटी का आपका, तो वो कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है, ठीक है। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ 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 या वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने स्कोर को भी बताइए जो आपका पीजीटी का रहा है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। बाय, टेक केयर।